उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे अब मोबाइल से इश्क कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका निजू क्लासेस और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 11 फरवरी का करंट अफेयर और कल 10 फरवरी थी। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया, अभी विश्व दलहन दिवस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मिस ना हो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव बनाए गए हैं, सचिव संजय मल्होत्रा। ये जो स्टैटिकल चीज़ें हैं थोड़ी सी याद करने में मुश्किल होगी लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव जो बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। भारत का पहला बायोमास होता है, जो वेस्टेज होती है ना, वेस्टेज उससे चीज़ें जो मिलती हैं वो होती हैं वेस्टेज, ठीक है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, तो भारत का पहला बायोमास आधारित होगा, हाइड्रोजन संयंत्र होगा, तो ये लगाया जाएगा MP मध्य प्रदेश के खंडवा में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश याद रखना है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा, ठीक है। तो MP में काफ़ी चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है भाई। नर्मदापुरम उन्होंने होशंगाबाद का नाम भी चेंज कर किया था अभी पीछे। अभी हाल ही में निधन हुआ है डॉक्टर डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ है। ये क्या है, इतिहासकार थे भाई, इतिहासकार, ठीक है। तो इतिहासकार से थोड़ा रिलेट कर सकते थे, गंगाधर मतलब हम शक्तिमान को देखते थे कब पीछे इतिहास में देखते, तो इतिहासकार इसे रिलेट कर सकते हो। एम गंगाधरन का निधन हुआ है, ये थे इतिहासकार, ठीक है भाई। निर्वासित तिब्बत सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का अनावरण किया है, तो ये कहाँ किया है, धर्मशाला में, ठीक है भाई, धर्मशाला में। जो निर्वासित तिब्बत सरकार है ना, उसने नए तिब्बत संग्रहालय का क्या किया, अनावरण किया है, धर्मशाला में किया है। और मैंने आपको बताई थी हिमाचल प्रदेश में ही कल कि अटल जो टनल है उसको गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है उसका, और वो उसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, 9.02 किलोमीटर और 10,000 फीट ऊंचाई पे है वो। 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो खरीदार है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, ठीक है भाई, 90 मीट्रिक टन। और दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे है भारत का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कितना, 77.5 मीट्रिक टन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2021 में सोना जो सबसे ज़्यादा खरीदा उसमें है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड 90 मीट्रिक टन, और दूसरे नंबर पे है भारत RBI। तो ऐसा आएगा आपके पास क्वेश्चन कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है, तो RBI है, 77.5 मीट्रिक टन जो है सोना खरीदा गया, ठीक है। और थाईलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे है जिन्होंने 90 मीट्रिक टन खरीदा। पावर यान 2022 लॉन्च किया है अभी, ठीक है, ये क्या है, आर के सिंह, ठीक है, ये ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल, केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं।
इन्होंने क्या किया, पावरयान 2022 लॉन्च किया है। और थोड़ी आवाज़ मुझे लग रहा है गूंज रही है भाई, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। दादर में नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन दादर नगर हवेली है तो उसमें नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है आदित्य ठाकरे ने, जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं महाराष्ट्र सरकार के सीएम के, उन्होंने किया। और क्यों किया, अरब सागर का भव्य नज़ारा देखने के लिए, अरब सागर का अद्भुत नज़ारा वहाँ से दिखेगा। तो नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है आदित्य ठाकरे ने, ठीक है। नई आईटीज नीति का अनावरण तो ये किया है गुजरात ने, गुजरात सरकार ने के वित्तीय सहयोग के लिए किया है भाई। जो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी पूंजीपति जो चीज़ें हैं कंपनियां हैं उनको क्या वित्तीय सहयोग मिलेगा, नई आईटीज में जो नीति है वो बनाई है गुजरात सरकार ने, ठीक है। और 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो जगह है, जो शहर है वो बताया गया है। 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र वाला शहर तो ये है इस्तांबुल टर्की का है ये, ठीक है। हमारे भारत की बात करें तो मुंबई जो है इसमें पांचवें नंबर पे है, बेंगलोर इसमें दसवें नंबर पे है, और दिल्ली जो है वो इसमें ग्यारहवें नंबर पे है, ठीक है। तो 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो शहर जो है वो इस्तांबुल है जो टर्की का है, मुंबई पांचवें नंबर पे, बेंगलोर दसवें पे, और दिल्ली ग्यारहवें नंबर पे है इस रैंक में, ठीक है भाई। 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमिए अवार्ड या पुरस्कार ये किसे मिला है, तो ये मिला है नितिन गडकरी को, जो हमारे केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्हें मिला है 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमिए अवार्ड, नितिन गडकरी जो केंद्र सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है भाई। तो जो 2021 का भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो एरिया है वो इस्तांबुल शहर है, और मुंबई हमारा पाँचवें नंबर पे, बेंगलोर दसवें पे, तो याद रखना है मुंबई पाँचवें, बेंगलोर दसवें, और दिल्ली ग्यारहवें नंबर पे है। स्टर्लिंग एंड विल्सन, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सा या हिस्सेदारी ये किसने की है भाई, तो ये की है रिलायंस ने, ठीक है। रिलायंस ने क्या किया है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी डाली है। विदेशी ड्रोन पर बैन लगाया, निर्यात पर, देसी ड्रोन के निर्यात पर बैन तो किसने लगाया, भारत ने लगाया। वैसे स्वदेशी जो ड्रोन है ना उसको विकसित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के निर्यात पर बैन लगा दिया भारत सरकार ने, और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी रिलायंस ने की है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 10 साल का है, 10 साल की जैक ने, दिल्ली से है भैया, 10 साल का जैक नाम इस लड़के का, इसने क्या किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री इन थ्री पॉइंट्स ये बुक लिखी है भाई, इसने ये बुक लिखी है जैक ने, 10 साल का है, दिल्ली का है, 10 साल के जैक ने वर्ल्ड हिस्ट्री इन थ्री पॉइंट ये बुक लिखी है। इसमें सिकंदर, अशोक, प्राचीन जो मिस्र था, प्राचीन जो चीन था, शाही जो चीन था, 101 विषय शामिल हैं इसे ऐसे, इसमें 101 विषय शामिल किए गए, टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, 101 विषय, ठीक है। 10 साल का जैक है, वर्ल्ड हिस्ट्री इन थ्री पॉइंट नामक ये बुक है, जिसमें सिकंदर, प्राचीन चीन, मिस्र, शाही चीन, अशोक महान, ऐसे 101 विषय शामिल हैं, ठीक है भाई।
जो हर्सैक है HAE यूनिवर्सिटी में जो है हर्सैक, ये क्या होता है मौसम संबंधी जो जानकारी देते हैं, तो सात जिलों में हर्सैक की जी आई एस लैब बनाई जाएगी। भी हरियाणा के 7 जिलों में जीआईएस लैब बनाई जाएगी। ये सैटेलाइट इमेज के लिए, जैसे क्या होता है सैटेलाइट इमेज के लिए सार के चक्कर काटने पड़ते हैं सैटेलाइट इमेज, ठीक है। तो अभी क्या है 7 जिलों में बना दी, जैसे हिसार हो गया, ठीक है, चरखी दादरी हो गया, झज्जर हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, पंचकूला हो गया, ऐसे अम्बाड़ा, तो 7 जिलों में क्या किया, इन 7 जिलों में हर्सैक की जीआईएस लैब बना दी जाएगी, जिससे क्या सैटेलाइट इमेज के लिए हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं जो नज़दीक जो भी जिला होगा वहाँ से उसको मिल जाएगी, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 7 जिलों में हर्सैक की जीआईएस लैब होगी, हर्सैक HAE यूनिवर्सिटी में, वही हिसार में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।